नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के क्विज़ के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 1 से 15 तक के क्विज़ हमने कवर किए थे। इसमें हम 16 से आगे तक के क्विज़ जो कवर करेंगे, तो चलिए चलते हैं। पहला जो है वो है व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी, यानी वर्चुअल मेमोरी क्या है, मतलब वर्चुअल व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी इज़ ऑप्शन दे रखे हैं चार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेमोरी ऑन हार्ड डिस्क दैट CPU यूजेज एज एन एक्सटेंडेड रेम। आइए जानते हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में। वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर प्रणाली तकनीक है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम को यह धारणा प्रदान करता है कि इसके पास एक सन्निहित कार्य क्षमता करने वाली मेमोरी है, जबकि वास्तव में इसे प्राकृतिक रूप से विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। इसके बारे में यहीं तक जानना आवश्यक है और अधिक हम जान सकते हैं, और अधिक डिस्क स्टोरेज में बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग हो सकता है। जो प्रणालियों इस तकनीक को प्रयोग करती हैं वे बड़ी एप्लीकेशन वाले प्रोग्रामिंग को अधिक सरल बनाती हैं, और बिना वर्चुअल मेमोरी वाले एप्लीकेशन की अपेक्षा वास्तविक भौतिक स्मृति यानी फिजिकल मेमोरी का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करती हैं। वर्चुअल मेमोरी स्मृति के आवासीकरण से इस अर्थ से भिन्न है कि वर्चुअल मेमोरी संसाधनों को एक विशेष प्रणाली के लिए आवासीकृत करने देती है, और इसके विपरीत मेमोरी का एक बड़ा पूल विभिन्न प्रणालियों के लिए छोटे पूलों में आवासीकृत होता है। तो आप केवल यहीं तक पढ़ सकते हैं इसके लिए वर्चुअल मेमोरी के। सेकेंड डैश इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा टेस्टिंग। तो टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। आपको आंसर डेब्यूजिंग भी लग रहा होगा लेकिन इसका आंसर टेस्टिंग है। डेब्यूजिंग क्या है, डेब्यूजिंग इज द प्रोसेस ऑफ करेक्ट द एरर। जो टेस्ट जो है टेस्टिंग जो एरर फाइंड करता है उसको करेक्ट करने को हम क्या कहते हैं, डेब्यूजिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। तो Ctrl+Z का मतलब होता है अंडू और Ctrl+Y का होता है रेडू। ओके, नेक्स्ट है द प्रोग्राम विच आर परमानेंट एज अ हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज़ नॉन एज, यानी कि जो प्रोग्राम जो परमानेंट होते हैं और जो हार्डवेयर में स्टोर होते हैं रोम में, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, यानी फर्मवेयर इज़ अ प्रोग्राम विच आर एज अ परमानेंट एज अ हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम। ओके, अगला है फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज डैश कमांड एट अ फाइल मेन्यू। इसका आंसर होगा न्यू कमांड। फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट वी हैव टू यूज़ न्यू कमांड एट अ फाइल मेन्यू। नाउ कंप्यूटर यूज डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। तो कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, और 0 और 1 की लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है। तो बाइनरी का बेस डिजिट होता है 2, ऑक्टल का होता है 8, डेसीमल का 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। ठीक है, अब अगले पर चलते हैं। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग, फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग। आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, फैच का मतलब होता है हिंदी में लाना, यानी कि फैच का मतलब है गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी इनटू द प्रोसेसर, यानी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से प्रोसेसर में लाना। फिर डीकोड का मतलब होता है कन्वर्ट, यानी इंटरनली डीकोड व्हाट इट हैज़ टू डू, यानी कि डीकोड करना क्या करना है हमें। एग्जीक्यूट, टेक द वैल्यूज फ्रॉम द रजिस्टर, एक्चुअली एट द रजिस्टर, यानी कि हमें वैल्यू लेकर उसमें कहाँ पर जोड़ना है, रजिस्टर में। ओके, स्टोर का मतलब स्टोर करना है, स्टोर द रिजल्ट बैक इनटू द अनदर रजिस्टर, अनदर रजिस्टर में स्टोर करना है। यहाँ पर इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले दे रखा है फैच, फैच का मतलब लाना। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ फेच्ड फ्रॉम द कैचे और रैम, यानी कि इंस्ट्रक्शन को कैचे और रैम से लाना। उसके बाद स्टेप टू में क्या करना होगा हमें, द इंस्ट्रक्शन आर डिकोडेड इनटू अ फॉर्म ऑफ ALU एंड FPU कैन अंडरस्टैंड, यानी कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है ताकि जो किस फॉर्म में, ALU और FPU की फॉर्म में। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, FPU का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, कैन अंडरस्टैंड यानी कि वो समझ सकें, डिकोड करना होगा। उसके बाद स्टेप 3 में हमें क्या करना होगा, द इंस्ट्रक्शन सच एज ALU और FPU परफॉर्मिंग अ कंप्यूटेशन आर कैरिड आउट। ओके, तीसरा स्टेप में एग्जीक्यूट करना है, चौथे स्टेप में स्टोर होगा, यानी कि डाटा और रिजल्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन आर स्टोर इन रजिस्टर और रैम, यानी कि डाटा और रिजल्ट जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का स्टोर होगा किसमें, रजिस्टर और रैम में। ओके, नेक्स्ट, इन ए वर्ल्ड व्हेन यू इंडेंट अ पैराग्राफ यू फर्स्ट ऑप्शन है पुश द टेक्स्ट इन द रेस्पेक्ट टू द मार्जिन, चेंज द सेकेंड चेंज द मार्जिन ऑन द पेज, थर्ड मूव द टेक्स्ट अप वन लाइन, एंड फोर्थ मूव द टेक्स्ट डाउन द वन लाइन, यानी कि एक लाइन ऊपर ले आना या एक लाइन नीचे ले आना। इसका आंसर होगा पुश द टेक्स्ट इन विद रेस्पेक्ट टू द मार्जिन, मार्जिन का मतलब सीमा होती है, एक बाउंड्री, बाउंड्री के अनुसार टेक्स्ट को पुश करना। इंडेंट का मतलब होता है कि मतलब एक नई पंक्ति से स्टार्ट करना या गैप को करना, मतलब पैराग्राफ के अंदर।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पुश द टैक्स इन विद रेस्पेक्ट टू मार्जिन, मार्जिन के अनुसार ही टैक्स को पुश करना। नेक्स्ट आता है ये ASCII, स्टैंड फॉर ASCII की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिफ्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज, पहला ऑप्शन है लिंकर्स, प्रोटोकॉल, केबल या URL, राइट ऑप्शन होगा URL। तो आइए जानते हैं URL के बारे में, व्हाट इज़ URL। देखिए URL क्या है, URL को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जितने भी वेब पेजेस, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब का अपना एक वेब एड्रेस होता है, इसी वेब एड्रेस को हम क्या कह देते हैं, URL कह देते हैं। ओके आमतौर से एक URL का कॉमन फॉर्म एक URL से शुरू होता है, कहाँ से, HTTP से फिर कॉलन, फिर ये या तो यहाँ से, फिर या तो यहाँ से, उसके बाद फिर www, उसके बाद वेबसाइट का नाम आता है। नेक्स्ट डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर, तो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। तो आइए जानते हैं ट्रैक्स और सेक्टर जो होते हैं डिस्क में वो क्या होते हैं, कैसे है? जैसा कि ये एक मैग्नेटिक डिस्क है तो इसमें जो है ए वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रैक हो जाएगा जो ग्रीन वाली लाइन है, और बी जो है, बी जो पिंक वाला जो दिख रहा है आपको वो हो जाएगा सेक्टर, सी जो दिख रहा है सेक्टर ऑफ ए ट्रैक छोटा सा हिस्सा वो क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा सेक्टर ऑफ ए ट्रैक, डी आपका हो जाएगा क्लस्टर। ओके नेक्स्ट व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर, अब देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है जिसमें फ्लॉपी आपने देखा होगा जो परमानेंट मेमोरी है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दे रखा है परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर, तो इसका आंसर रोम हो जाएगा। ओके ROM, रोम इज़ द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट विच कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा करेंटली बींग प्रोसेस्ड बाय द CPU, आंसर हो जाएगा इंटरनल मेमोरी। नाउ नेक्स्ट चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश द डॉक्यूमेंट, एडिटिंग द डॉक्यूमेंट आंसर होगा इसका, यानी कि चेंजिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट जो है व्हाट इज बैकअप, बैकअप क्या है, तो बैकअप का जो मतलब होता है वो होता है प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्सेज टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। ओके आगे की वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।